अस्सलामुअलैकुम। राज फूड क्रेविंग में आपको एक दफा फिर से खुश आमदीद है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज मैं अपने किचन में एक डिश बनाने लगी हूँ, बहुत ही फेवरेट है, मेरे घर में तो बहुत पसंद की जाती है। और एक मीठा है, मीठा तो आपको पता ही है, सबको पसंद आते हैं। आज जो मैं रेसिपी अपने किचन में बनाने लगी हूँ वो है शीर खोरमे की। कुछ चीज़ें तो आपको नज़र आ ही रही होंगी और आपको पता लग गया होगा। शीर खोरमे के लिए जो इंग्रेडिएंट्स मुझे चाहिए वो देख लें आप। सबसे पहले तो सबसे इम्पॉर्टेंट है दूध। लिया है मैंने तकरीबन 3 लीटर, मैं थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ, उस हिसाब से मैं आपको बता दूंगी। 3 लीटर दूध लिया है, ये मिक्स जो है शीर खुरमा मिक्स का पैकेट है, 3 पैकेट मैंने लिए हैं। ये आप घर पे भी आराम से बना सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। सिंपल रंग बिरंगी सेवैया है 1 कप, इसी तरह 1 कप जो है नॉर्मल जो हमारी येलो वाली सेवैया होती हैं वो हैं, और खुश्क मेवा जात हैं। शुगर भी इसमें मौजूद है, नीचे शुगर है, मिक्स हुई भी है शुगर भी, तकरीबन हमारे पास 3 कप शुगर है। और जो मैं इसको इसमें बनाने के लिए मुझे चाहिए कंडेंस मिल्क लिया है मैंने, ये तकरीबन फुल कंडेंस मिल्क नहीं है, हाफ है, हाफ मैं यूज़ करूँगी। देसी घी लिया है 2 टेबल स्पून, खुश दूध लिया है तकरीबन 3 टेबल स्पून, और थोड़ा सा कस्टर्ड पाउडर चाहिए हमें तकरीबन 1 टेबल स्पून। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। मैंने देचकी ले ली है, अब इसमें मैं दूध ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई भी दूध ले सकते हैं आप, खुला दूध भी ले सकते हैं, गाय का दूध है अगर आप वो भी ले सकते हैं। अब हम वेट करेंगे कि दूध को बॉयल आ जाए। दूध हो चुका है हमारा बॉयल, इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। अभी मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया। सबसे पहले हम इसमें डाल देंगे शीर खुरमा मिक्स। फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे। अगर साथ साथ आप अल्लाह ताला का जिक्र करते रहेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपकी कोई भी डिश है बहुत ज़बरदस्त बनती है। कोई भी जिक्र, दुरूद शरीफ पढ़ते रहें, तीसरा कलमा पढ़ते रहें, कोई भी जिक्र करते रहें, आयतुल कुर्सी पढ़ते रहें, तो ये मेरा बिलीव है कि आप चाहे पहली दफ़ा कोई भी डिश बना रहे होते हैं, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला की मदद होती है और आपकी बहुत ज़बरदस्त बनती है। तकरीबन हम लोग 10 से 15 मिनट मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे इसको। मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 15 से 20 मिनट गुजर चुके हैं इसको पकाते हुए, और ये तकरीबन आप समझ लें कि तैयार होने वाली है इंशाल्लाह ताला। अब इसमें मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगी 1 टेबलस्पून ऑफ देसी घी। मिक्स कर लेंगे हम लोग। साथ ही मैं ऐड कर दूंगी 2 टेबलस्पून ऑफ कंडेंस मिल्क। और अब हम इसमें डाल देंगे, ये साइडों से आपने साथ साथ हिलाते जाना है। जो 15 से 20 मिनट भी मैंने इसको मीडियम फ्लेम पे पकाया था, मैं साथ साथ स्पून हिलाती रही थी। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून ऑफ खुश दूध का, यानी कि ड्राई मिल्क। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। आपने हिलाते रहना है ताकि ये जो दूध मैंने डाला है इसके मिक्स हो जाए, इसके लम्स ना बने। फ्लेम आपने बिल्कुल मीडियम से भी समझें कि लो रख लें आप लोग। ये अब आप देख सकते हैं कि काफ़ी थिक हो चुकी है। अब यहाँ पर मैं ऐड कर दूंगी, बिल्कुल मैंने 1/2 टेबल स्पून ऑफ कस्टर्ड लिया था और उसको मिल्क में ऐड कर दिया था, ये ऑप्शनल है। अगर आप चाहें तो
इसको इतना ही। वैसे आमतौर पे शीर खुरमा थोड़ा सा जो है वो थिनी होता है, पतला ही होता है, लेकिन मैं थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ इसमें कस्टर्ड पाउडर, ताकि इसका कलर भी बहुत अच्छा आ जाए और थोड़ा सा ये थिक भी हो जाए। अब हम बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको 5 मिनट्स और कुक करेंगे। हमारा ज़बरदस्त सा शीर खुरमा तैयार है। फ्लेम को मैंने कर दिया है ऑफ। अब हम इसको सबसे पहले रूम टेम्परेचर पर लाएंगे, उसके बाद देचके में, उसके बाद देचके से हम लोग इसको डिश में डिश आउट करेंगे और फ्रिज में रख देंगे तकरीबन 3 to 4 आवर्स के लिए। फ्रिज में, नॉट फ्रीजर, फ्रिज में। ज़बरदस्त था शीर खुरमा, बिल्कुल तैयार है। रूम टेम्परेचर पे आ चुका था, मैंने इसको जो है नोमो में निकाल दिया है और ऊपर से गार्निश भी कर दिया है। अब इसको इंशाल्लाह हम चिल करके जो है आपने खाना है, यानी कि 3 से 4 घंटे नॉर्मल फ्रिज में आपने रखना है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी ये रेसिपी, और स्पेशली ये मैंने ईद के लिए बनाई है, आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा और सबसे वाह वाह लीजिएगा। इंशाल्लाह एक नई रेसिपी और एक नई वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। लेकिन अगर मेरे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।